Hey everyone, welcome to my kitchen. और आज हम लोग बनाएंगे मटन. तो मैंने ले लिया है आधा किलो मटन, गोट मीट. और अब इसको बनाएंगे सिंपल, जो गोट मीट की करी होती है ना, वो हम लोग बनाएंगे. और सबसे पहले क्या करेंगे ना, थोड़ा प्रिपरेशन कर लेंगे, लाइक प्याज कट कर लेंगे, देन अदरक लहसुन ये भी कट कर लेंगे, और साथ में एक टमाटर भी ले लेंगे और उसको भी कट करके रख लेंगे. और अब चलते हैं, हम लोग बनाएंगे ये जो हमारा मटन है. तो सबसे पहले कुकर में सरसों का तेल डाल देंगे. तड़का में जीरा और सौंफ मैंने डाला है यहाँ पे. और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से चटक जाएगा ना, तो फिर इसमें हम लोग डाल देंगे हरी मिर्च. तो दो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लिया था. और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं. और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कि जो प्याज कट किए थे ना वो ले लेंगे. थोड़ा सा प्याज छोड़ देंगे मसाला में पीसने के लिए, और इसको भून लेंगे. अब करेंगे क्या ना, कि एक मिक्सर जार में अदरक लहसुन प्याज, फिर साथ में थोड़ा सा जीरा प्लस धनिया और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ये देके थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें. और फिर इसका एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट हम लोगों को तैयार करना होता है. इन बिटवीन हम लोग प्याज को भी भूनते रहेंगे. और ये देखिए, हमारा जो पेस्ट है ना वो तैयार हो गया है. थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा जैसे ही हो जाएगा ना हमारा प्याज, पूरा भी नहीं भुनना है, तभी हम लोग इसमें डाल देंगे मटन, साथ में नमक हल्दी और टमाटर जो हम कट करके रखे थे. अब इसको अच्छे से भुनेंगे. अभी क्या होगा ना, कि ये मीडियम फ्लेम पे भुनना शुरू करेंगे, और मटन भी पानी छोड़ेगा, प्याज भी पानी छोड़ेगा, टमाटर भी छोड़ेगा, और इसी पानी में ये पकेगा. जब तक ये पक रहा है ना, सारे गरम मसाले को हम लोग कूट लेंगे. ये जो फ्रेश कूटा हुआ गरम मसाला होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है. और जो स्किन है ना, उसको मैं हटा दी हूँ. सारा जो गरम मसाला था, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक, सौंफ, साजीरा, ये सब को मैंने एक साथ कूट लिया था. अब देखिए, यहाँ पे हम डाल दिए मसाला, और ये देखिए कितना सारा इसमें पानी छोड़ा है ये. और अब इसको यूँ ही ढक ढक करके पकाएंगे, और हर थोड़े थोड़े देर पर इसको चलाते रहेंगे. ध्यान रखेंगे कि वो तली में सट ना जाए. और ये देखिए, ये मेरा पूरा अच्छे से भुना चुका है. अब इसमें वो जो फ्रेश कूटा हुआ गर्म मसाला था ना, वो डाल देंगे. और करीब एक ग्लास या जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए. एक चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उससे. और फिर करीब 5-6 सीटी के बाद ये मेरा मटन देखिए बनके हो गया है तैयार. बहुत ही सॉफ्ट पक गया था. और अब देखिए, बनाइए, खाइए और एंजॉय.